आदरणीय सम्मानित अतिथि गण एवं शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है। पुलिस समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस एक ऐसा संगठन है जो समाज में सुरक्षा शांति की देखरेख करती है तथा उसे नियमित रूप से संचालित करने में सहयोग देती है। पुलिस लोगों की मदद भी करती है तथा उनकी समस्याओं का निवारण भी करती है। जैसे जब एक व्यक्ति किसी गांव या शहर से किसी दूसरे गांव या शहर में जाता है, तब उस व्यक्ति के लिए वह गांव या शहर नया होता है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की उसके साथ किसी घटना हो जाता है, तब उसकी मदद पुलिस करती है। कभी कभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यह देखा जाता है कि किसी का बच्चा गुम हो जाता है या किसी का फोन गुम हो जाता है, तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान भी पुलिस ही करती है। पुलिस समाज में न्यायपूर्ण और गौरवशाली समाज की स्थापना भी करती है। संघर्ष और साक्षर समाज की स्थापना भी करती है। पुलिस शांति और सुरक्षा को तत्पर रखने के लिए जगह जगह पर स्थित रहती है। पुलिस समाज के लोगों को विभिन्न प्रकार की सलाह भी देती है, जैसे यातायात के नियमों का पालन करना, नशे का सेवन न करना, फ्रॉड कॉल व धोखाधड़ी से बचना। पुलिस की भूमिका चुनावी क्षेत्रों में भी देखा जाता है। कई बड़े बड़े नेताओं की रैलियां होती है, वह चुनावी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो जाए, लड़ाई वगैरह न हो जाए, जिससे प्रत्याशी अपना वोट निष्पक्ष रूप से देकर एक नया प्रत्याशी का चयन कर सकता है। कभी कभी यह देखा जाता है समाज में या देश में लिंग धर्म जाति भेदभाव को लेकर अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ होती हैं, जिसमें एक वर्ग के लोग किसी दूसरे वर्ग के लोग में अत्याचार अनैतिक अत्याचार करते हैं, जिसका समाधान पुलिस प्रशासन करती है। हमारे देश की रक्षा के लिए फौज और पुलिस वर्दी पहनती हैं। उन वर्दियों के लिए मैं कुछ लाइन बोलना चाहूँगा। ना तू थकती है ना तू डरती है, नित चलती है आगे बढ़ती है। ना तू थकती है ना तू चलती है, नित बढ़ती है प्रगति पथ पर पड़ती है। ना तू थकती है ना तू डरती है, ना रुकना तेरा काम, प्रगति पथ पर चलती है यही है तेरा काम। पुलिस प्रशासन